मुगलों के समक्ष राणा ने मस्तक झुका दिया होता, शायद ऐसा ना होता आज हम सब क्यों ऐसे विषयों पर कविताएं लिखते हैं, वो विषय छूता होता है। हम किन के ऊपर लिखते हैं, कैसे हमारे इतिहास के पन्नों में कैसे चरित्र हमने देखे हैं, तब मैं पढ़ना चाहता हूँ। मुगलों के समक्ष राणा ने मस्तक झुका दिया होता, मुगलों के समक्ष राणा ने मस्तक झुका दिया होता, स्वाभिमान गिरवी रखकर अकबर का जाम पिया होता। मुगलों के समक्ष राणा ने मस्तक झुका दिया होता, स्वाभिमान गिरवी रखकर अकबर का जाम पिया होता। कोरी रह जाती स्याही में कोई रंग नहीं होता, कोरी रह जाती स्याही में कोई रंग नहीं होता, ऐतिहासिक गाथाओं को कहने का ढंग नहीं होता। कोरी रह जाती स्याही में कोई रंग नहीं होता। तमाम युवा रचनाकार हमारे मित्र छोटे भाई बैठे हैं, जहां पर लगे कविता की भाषा में, क्योंकि कविता हो गया, आज प्रकाश पटेरिया जी का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने कविता के अलावा लफाजी नहीं मंचों पर लिखी है न कविताओं में लिखी, इसलिए कविता होनी चाहिए। मैं पढ़ना चाहता हूँ, कविता से जोड़ना चाहता हूँ कि मुगलों के समक्ष राणा ने मस्तक झुका दिया होता, स्वाभिमान गिरवी रखकर अकबर का जाम पिया होता। कोरी रह जाती स्याही में कोई रंग नहीं होता, ऐतिहासिक गाथाओं को कहने का ढंग नहीं होता। भारत माता के सपने मासूम बनकर के बह जाते, भारत माता के सपने मासूम बनकर के बह जाते, भारत माता के सपने मासूम बनकर के बह जाते, बिछवा होती कलम कफन बनकर के कागज रह जाते। भारत माता के सपने जाते विधवा होती और अपने स्वाभिमान को जिंदा रखेगा। मैं कविता को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि भारत माता के सपने मासूम बन करके बह जाते, विधवा होती कलम कफन बन करके कागज रह जाते। स्वाभिमान वो नहीं शीश जो हर चौखट पर झुकता है, महाराज जी कैसा स्वाभिमान होना चाहिए कि स्वाभिमान वो नहीं शीश जो हर चौखट पर झुकता है, कदम नहीं वह मातृभूमि की सेवा से जो रुकता है। स्वाभिमान वो नहीं शीश जो हर चौखट पर झुकता है, कदम नहीं वह मातृभूमि की सेवा से जो रुकता है। जिसके मन में आग नहीं जिसका ना उन्नत है माथा, जिसके मन में आग नहीं जिसका ना उन्नत है माथा, उस जीवन की पितर पक्ष में बस कौवे गाते गाथा। जिसके मन में आग नहीं जिसका ना उन्नत है माथा, उस जीवन की पितर पक्ष में बस कौवे गाते गाथा। राष्ट्र प्रेम का ज्वार न हो तो खून नहीं कह सकता हूँ, जंगल है बबूल का तो रंगून नहीं कह सकता हूँ। राष्ट्र प्रेम का ज्वार कह सकता हूँ, जंगल है तमाम बबूल के जंगलों की राजनीतिक स्थितियां ऐसी, जंगलों की स्थिति थी तमाम, कटाई छटाई हुई, बड़ा अच्छा सुंदर रमणीय वातावरण हुआ। आज हम राम की पैढ़ी पर, ये राम आंदोलन, ये रामोत्सव मना रहे, पटेरिया जी का जन्मोत्सव मना रहे। आइए एक कविता से, एक विशेष कविता से, वो राफेल की बात की थी मेरे बड़े भाई शशिकांत भैया ने, वो राफेल के हम कहाँ तक मजबूत हुए हैं, कौन लोग थे जैनू में जब ऐसे नारे लगे, धारा 370 कश्मीर में जब एक कलंक जो 70 वर्षों का एक था हमारी आज़ादी पर, हमारे अखंड मानचित्र पर, तो कुछ लोगों ने कहा कि भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, हमको कश्मीर में धारा 370 वापस करो। कैसे लोग थे, किस विचारधारा के लोग थे, जिन बड़े शिक्षण संस्थानों से महाराज जी अच्छे डॉक्टर अच्छे प्रोफेसर अच्छे वैज्ञानिक निकलने चाहिए, वहाँ जब ये बोला गया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब जल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, कैसे जैनू जैसे बड़े संस्थानों पर, मैंने तो कहा कहीं पर कि ऐसे शिक्षण स्थानों पर, शिक्षण संस्थानों, ऐसे विद्यालयों पर, ऐसे कॉलेजों पर सरकार को ताले लगाने चाहिए जहाँ पर ऐसे देशद्रोह के स्वर बुलंद होते हैं। आपका आदेश हो, आपकी आदेश भरी तालियाँ। तो मेरी चर्चित कविता है, मैं दो छंद पढ़ते उसको मैं अपना स्थान लेना चाहता हूँ। कैसी विचारधारा के लोग थे जब कश्मीर को आज़ादी मिली, किन लोगों ने कैसा सपना, कैसा लोकतंत्र स्थापित था कश्मीर में, तब कहना चाहता हूं कि जिनके जेहादी जेहन में देशद्रोह के नारे हैं, कैसी विचारधारा के लोग थे, मैं पढ़ता हूं कि जिनके जेहादी जेहन में देशद्रोह के नारे हैं, जिनके जेहादी जेहन में देशद्रोह के नारे हैं, जिनके सपनों की महफिल में झिलमिल चांद सितारे हैं, जिनके जेहादी जेहन में देशद्रोह के नारे हैं, जिनके सपनों की महफिल में झिलमिल चांद सितारे हैं, जिनके दिल के अरमानों में अफजल अब तक जिंदा है, जिनके दिल के अरमानों में अफजल अब तक जिंदा है, जो मेमन अफजल जैसों की फांसी पर शर्मिंदा है, जिनके दिल के अरमानों में अफजल अब तक जिंदा है, जो मेमन अफजल जैसों की फांसी पर शर्मिंदा है, जो मेमन अफजल जैसों की फांसी पर शर्मिंदा है, जिनके घर में मातम पसरा मरने पर बुरहान के, जिनके घर में मातम पसरा मरने पर बुरहान के, जिनके घर में मातम पसरा मरने पर बुरहान के,
बोलो उनको कैसे बोलूं बेटे हिंदुस्तान के, जिनके घर में मातम पसरा मरने पर बुरहान के, बोलो उनको कैसे बोलूं बेटे हिंदुस्तान के। तो 30,000 का हुजूम देखा गया उसकी अंतिम यात्रा में कश्मीर में, कहां से लोग आयात किए गए थे, तब कहना चाहता हूं कि जिनके घर में मातम पसरा मरने पर बुरहान के, बोलो उनको कैसे बोलूं बेटे हिंदुस्तान के। घाटी नहीं कराची होगी इन हुर्रियत के झंडों से, घाटी नहीं कराची होगी इन हुर्रियत के झंडों से, सेना को मसले सुलझाने दो अपने भुजदंडों से, घाटी नहीं कराची होगी इन हुर्रियत के झंडों से, सेना को मसले सुलझाने दो अपने भुजदंडों से। जिस दिन सेना कश्मीर में अपने पर बजाएगी, पत्थरबाजों वाली टोली वंदे मातरम गाएगी, जिस दिन सेना कश्मीर में अपने पर बजाएगी, पत्थरबाजों वाली टोली वंदे मातरम गाएगी, यह दिल्ली दो दिन रुक जाए सेना के बल बूते पर, नाटक करता पाठ मिलेगा हिंदुस्तानी जूते पर। यदि दिल्ली दो दिन रुक जाए सेना, एक अभिनंदन को भेजा था हमने, संभाल नहीं सका एक हफ्ते, वो हमसे कह रहा कि भारत की सीमाओं में गंदा नाला छोड़ देंगे हम, तब कहना चाहता हूं यदि दिल्ली दो दिन रुक जाए सेना के बलबूते पर, नाक रगड़ता पाक मिलेगा हिंदुस्तानी जूते पर। और सचकांत भैया कौन से लोग आंदोलन कर रहे थे, महबूबा ने कह दिया हम तिरंगा हाथों में नहीं लेंगे, हमें कश्मीर का हमारा संविधान वापस करो, तब कहना चाहता हूं कि जो टुकड़ों में बांट रहे हैं अपनी भारत मैया को, भारत टुकड़े टुकड़े होंगे जो सपना ये देख रहे थे, कहना चाहता हूं कि जो टुकड़ों में बांट रहे हैं अपनी भारत मैया को, जो अपना वादर्श मानते अफजल और कन्हैया को, जो टुकड़ों में बांट रहे हैं अपनी भारत मैया को, जो अपना वादर्श मानते अफजल और कन्हैया को, जिनको लगता लोकतंत्र बस केवल एक तमाशा है, जिनको लगता लोकतंत्र बस केवल एक तमाशा है, उनसे कैसी आशा जिनकी गद्दारों की भाषा है, जिनको लगता लोकतंत्र बस केवल एक तमाशा है, उनसे कैसी आशा जिनकी गद्दारों की भाषा है, उनसे कैसी आशा जिनकी गद्दारों की भाषा है। उग्रवाद के लिए देश में चंदा मांग रहे हैं जो, उग्रवाद के लिए देश में चंदा मांग रहे हैं जो, बुरहानों की मन मंदिर में मूरत टांग रहे हैं जो, उग्रवाद के लिए देश में चंदा मांग रहे हैं जो, बुरहानों की मन मंदिर में मूरत टांग रहे हैं जो, काम अधूरे थे जो उनको पूरे कर लेना, काम अधूरे थे जो उनको अब की पूरे कर लेना, अमित शाह भी साथ खड़े हैं मुट्ठी पूरी भर लेना, काम अधूरे थे जो उनको अब के पूरे कर लेना, अमित शाह भी साथ खड़े हैं मुट्ठी पूरी भर लेना, देशद्रोहियों को अब की इनकी औकात बता देना, देशद्रोहियों को अब की ऐसा कानून पढ़ा देना जो सेना पर पत्थर फेंके फांसी पूरे चढ़ा देना, देशद्रोहियों को अब की ऐसा कानून पढ़ा देना जो सेना पर पत्थर फेंके फांसी उन्हें चढ़ा देना। और मैं युवा ने कहा तिरंगा नहीं उठाएंगे, तब दो पंक्तियां अगर आपका आदेश हो तो उसे जवाब दे दूं, ऐसे हाथों की कतई तिरंगे को जरूरत नहीं है, आप तालियों से बताएं मुझे हाथ से ऐसे नहीं पढ़ूंगा। देशद्रोहियों को अब की ऐसा कानून पढ़ा देना जो सेना पर पत्थर फेंके फांसी उन्हें चढ़ा देना, जो सेना पर पत्थर फेंके फांसी उन्हें चढ़ा देना। कश्मीर की आजादी का जिसको सता रहा है गम, कश्मीर की आजादी का जिसको सता रहा है गम, कश्मीर की आजादी का जिसको सता रहा है गम, उस महबूबा के हाथों में नहीं तिरंगा देंगे हम, उस महबूबा के हाथों में नहीं तिरंगा देंगे हम, उस महबूबा के। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।